उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में इलाहाबाद का सीएमपी कॉलेज महाभारत के मैदान में तब्दील हो गया। कॉलेज में सैकड़ों छात्रों के बीच जमकर फायरिंग हुई। बाहर से बुलाए गए गुंडों ने इस दौरान गोलियां चलाने के साथ साथ देसी बम और टीचरों की गाड़ियां तोड़ डाली। करीब आधे घंटे तक सरेआम हुई इस गुंडागर्दी से कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी मची रही। फायरिंग और मारपीट में दो छात्र जख्मी भी हुए हैं। कैंपस में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये देखिए कि किस तरह हंगामे के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही यह हमलावर फरार हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन इलाके में सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ ने रविवार को नए छात्रों के स्वागत में फ्रेशर्स पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कुछ लोगों ने एक छात्रा के साथ बदसलूकी की तो वहां विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद दो गुट आपस में टकरा गए और कॉलेज कैंपस में थाए थाए हो गया। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। तो कॉलेज कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई है वह वाकई हैरान करने वाली है। यह तस्वीरें दिखाती है कि बेखौफ ये उपद्रवी सरेआम कॉलेज कैंपस में गुंडागर्दी करते हैं और फरार हो जाते हैं और उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।